गोरखपुर पुलिस को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से 3 किलो गांजा बरामद किया गया है। गोरखपुर थाना प्रभारी के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली कि छोटी लाइन फाटक के पास गांजा बेचने की फिराक में दो लोग खड़े हैं। सूचना मिलते ही तत्काल योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी करते हुए तस्करों को दबोचा गया। पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे पूछताछ कर रही है कि उन्हें उक्त गांजा कहां से और कैसे प्राप्त हुआ। ये थाना गोरखपुर अंतर्गत छोटी लाइन फाटक के पास से एक मुखबिर के द्वारा हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ थैला है, वो गाड़ी में है, बाइक में है, वो कुछ मादक पदार्थ लिए हुए हैं और उसको बेचने की फिराक में है। तत्काल यह सूचना प्राप्त हुई, हमने एक टीम गठित की और टीम ने जब जाके उनकी जामा तलाशी ली तो उनके पास से 3 किलोग्राम गांजा मिला है। गांजा हमने जब्त कर लिया है और जो प्रॉपर NDPS एक्ट की 8/20 NDPS की जो कार्रवाई होती है हमने पूरी कार्रवाई की है और उसमें जो दो आरोपी हैं उसमें एक संजय गिरी है और रविन पशाना इनके नाम है और दोनों को 3 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। एक तो गोरखपुर का ही है, रविन पशाना गोरखपुर का ही है और संजय गिरी गढ़ा क्षेत्र का है। इनके पुराने सर्च कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अगर होंगे तो उसमें सब शामिल किया जाएगा।